नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर भट बुक्स कॉर्नर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमारी आज की बुक है रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखी गई बिजनेस स्कूल। ये बुक अमीर होने के एक नए और क्रांतिकारी तरीके के बारे में हमें बताती है। इस तरीके से आज हजारों लाखों युवा अपना भविष्य बना रहे हैं और अपने सपनों की लाइफ को जी पा रहे हैं। ये एक ऐसा बिजनेस है जो कॉम्पिटिशन से नहीं बल्कि एक दूसरे के सहयोग से ग्रोथ करता है और अमीर और गरीब सबके लिए अवेलेबल है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग की। नेटवर्क मार्केटिंग आज पूरे विश्व में बहुत तेज़ी से फैल रहा है। ये जरिया है आपके फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचने का। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग किस तरह आपको आपके सपनों की लाइफ को जीने में हेल्प करता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, रॉबर्ट कियोसाकी अपनी लाइफ में अमीर बनना चाहते थे। वे जब 15 साल के थे तो उन्होंने स्कूल में रियलाइज़ किया कि वे उन सब्जेक्ट्स की पढ़ाई कर रहे थे जिनका उनके अमीर बनने से कोई संबंध नहीं था। वे चाहते थे कि उन्हें मनी 101 या फिर हाउ टू बिकम अ मिलियनेयर 202 जैसे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करनी चाहिए। इसलिए वे अपने रिच डैड के पास गए। रिच डैड रॉबर्ट के बेस्ट फ्रेंड के डैड थे। रॉबर्ट ने रिच डैड से पूछा कि स्कूल में हमें पैसे के बारे में शिक्षा क्यों नहीं दी जाती है। जब मैं अपने टीचर से पूछता हूँ कि मैं अमीर कैसे बन सकता हूँ तो वे कहते हैं कि तुम्हें पढ़ाई करके अच्छे नंबर लाने चाहिए जिससे तुम्हें अच्छी नौकरी मिल जाएगी। अमीर डैड ने कहा, मैक्सिमम लोग यही चाहते हैं कि स्कूल जाकर अच्छे मार्क्स लाओ ताकि तुम्हें एक अच्छी नौकरी मिल जाए और उनकी लाइफ सेट हो जाए। रॉबर्ट ने अमीर डैड से कहा, लेकिन मैं ये नहीं करना चाहता हूँ। मैं किसी और के लिए काम करने वाला कर्मचारी नहीं बनना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई और ये डिसाइड करे कि मैं कितना पैसा कमा सकता हूँ या फिर मैं कब काम करूँ और कब काम नहीं करूँ, कब मैं छुट्टी पर जाऊँ और कब नहीं जाऊँ। मैं अमीर बनना चाहता हूँ और अपनी लाइफ में फ्रीडम हासिल करना चाहता हूँ। दोस्तों, यदि आपने रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड नहीं पढ़ी हो तो आपको बता दें कि रॉबर्ट अपने असली डैड को पुअर डैड और अपने बेस्ट फ्रेंड के डैड को रिच डैड कहकर बुलाते थे। रॉबर्ट के अमीर डैड ने जीरो से शुरुआत की थी। उनके पास कोई फॉर्मल एजुकेशन भी नहीं थी, लेकिन वे हवाई स्टेट के सबसे अमीर लोगों में से एक बन गए। जबकि दूसरी ओर रॉबर्ट के पुअर डैड, मतलब रॉबर्ट के असली डैड, हाईली एजुकेटेड थे और हाई सैलरी लेने वाले एक गवर्नमेंट ऑफिसर थे। लेकिन हाई सैलरी होने के बावजूद वे अपनी लाइफ के आखिरी समय में दिवालिया ही रहे। रॉबर्ट कहते हैं कि मैं जानता था कि सिर्फ स्कूल की एजुकेशन से मुझे वो सब नहीं मिलेगा जो मेरे अमीर डैड को मिला था। मुझे स्कूल की एजुकेशन से कुछ अलग सीखने की ज़रूरत थी जो मुझे पैसे के बारे में सिखा सके, क्योंकि मैंने अपने माँ बाप को पैसे की तंगी होने के कारण झगड़ते हुए देखा था। इसलिए मैं अपने अमीर डैड के पास पढ़ने के लिए गया। मैंने उनके साथ 9 साल की उम्र से 38 साल की उम्र तक स्टडी की। यही था मेरा बिजनेस स्कूल, असली ज़िंदगी का बिजनेस स्कूल। अपने अमीर डैड की ट्रेनिंग की बदौलत ही मैं 47 ईयर्स की एज में रिटायर हो पाया और फाइनेंशियली फ्री हो पाया। मेरे गरीब डैड हमेशा कहा करते थे कि स्कूल जाओ, अच्छे मार्क्स लाओ ताकि तुम्हें एक सुरक्षित नौकरी मिल सके। जबकि मेरे अमीर डैड की सलाह थी कि अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर बनने की ज़रूरत है। थॉमस एडिसन ने बिजली के बल्ब का आविष्कार किया, लेकिन इससे भी बड़ी बात यह थी कि उन्होंने उस बल्ब के द्वारा एक बिजनेस को बिल्ड किया। ये एक नेटवर्क बन गया। थॉमस एडिसन एक आविष्कारक के अलावा एक करोड़पति बिजनेसमैन भी थे जिन्होंने जनरल इलेक्ट्रिक और इसके जैसी कई दिग्गज कंपनियों की स्थापना की। एडिसन स्कूल ड्रॉप आउट थे। उनके टीचर्स मानते थे कि उनमें इतना दिमाग नहीं है कि वे स्कूल में सक्सेस हो सकें। उन्होंने अपनी यंग एज में रेल में कैंडी और मैगजीन्स बेचने का काम किया और वहाँ से उन्होंने सेल्स स्किल्स को डेवलप किया और जल्दी ही वे ट्रेन में अपना खुद का अखबार छापने लगे। फिर उन्होंने अपनी एक टीम बनाई जो उनके लिए कैंडी भी बेचते और अखबार भी। इस तरह वे कर्मचारी से बिजनेस मालिक बन गए और एक साल के अंदर उनके अंदर में एक दर्जन लड़के काम करने लगे। फिर उन्होंने टेलीग्राफ ऑपरेटर का काम सीखा और वे दुनिया के बेस्ट टेलीग्राफ ऑपरेटर बन गए। टेलीग्राफ ऑपरेटर होने के कारण वे जानते थे कि टेलीग्राफ का इन्वेंशन इसलिए इतना सक्सेस हुआ क्योंकि ये एक बिजनेस सिस्टम, मतलब एक पूरा नेटवर्क था जिसमें लाइन, खंबे, ट्रेन, लोग और रिले स्टेशन आदि शामिल थे। एडिसन सिस्टम की ताकत को जानते थे। दुनिया में अमीर लोग नेटवर्क बनाते हैं, बाकी सबको काम की तलाश की ट्रेनिंग दी जाती है। जॉन डी रॉकफेलर इसलिए अमीर बन पाए क्योंकि उन्होंने पेट्रोल पंपों, डिलीवरी ट्रकों, जहाज़ों और पाइपलाइनों का नेटवर्क बिल्ड किया जिसने उन्हें इतना अमीर बना दिया। बिल गेट्स, जो दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक हैं, वे IBM के ऑपरेटिंग सिस्टम में प्लग करके अमीर बने। आप सबने एक कहावत तो सुनी होगी कि एक जैसे पंख वाले पक्षी एक साथ उड़ते हैं। ये कहावत अमीरों और गरीबों में भी फिट बैठती है। अमीर लोग अमीरों के साथ नेटवर्क बनाते हैं जबकि गरीब लोग गरीबों के साथ नेटवर्क बनाते हैं।
रिच डैड हमेशा कहा करते थे कि यदि आप अमीर बनना चाहते हो तो आपको उन लोगों के साथ नेटवर्क बनाना चाहिए जो अमीर हैं या फिर जो आपकी अमीर बनने में हेल्प कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे लोगों के साथ नेटवर्क बनाते हैं जो उन्हें आगे बढ़ाना तो दूर बल्कि पीछे रोकने की कोशिश करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसमें ऐसे लोग हैं जो ज़्यादा अमीर बनने में आपकी हेल्प करते हैं। आज इस इंडस्ट्री में कई कंपनियाँ करोड़ों लोगों की वही बिजनेस एजुकेशन दे रही हैं जो रिच डैड ने हमें सिखाई थी। ये कंपनियाँ लोगों को अपना खुद का नेटवर्क बनाने का अवसर दे रही हैं बजाय इसके कि लोग किसी और के नेटवर्क के लिए काम करने में अपनी ज़िंदगी गुजार दें। नेटवर्क मार्केटिंग में हर किसी के लिए रास्ते खुले हैं। आप यहाँ सीख कर अपना नेटवर्क बना सकते हो और आपका ये नेटवर्क ही आपको अमीरी तक लेकर जाएगा। जब एजुकेशन की बात आती है तो ऑथर कहते हैं कि एजुकेशन तीन प्रकार की होती है, एक स्कॉलास्टिक एजुकेशन, दूसरा प्रोफेशनल एजुकेशन और तीसरी फाइनेंशियल एजुकेशन। स्कॉलास्टिक एजुकेशन वो एजुकेशन है जिसमें हमें पढ़ना लिखना और गणित करना सिखाया जाता है। आज के समय में ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एजुकेशन है। प्रोफेशनल एजुकेशन वो एजुकेशन है जो हमें सिखाती है कि पैसे के लिए काम कैसे किया जाए। जैसे कई प्रोफेशनल स्कूल स्टूडेंट्स को इंजीनियर, मेडिकल असिस्टेंट, इलेक्ट्रिशियन और ऑटोमोबाइल मैकेनिक बनना सिखाते हैं। इसमें स्टूडेंट को ऐसे प्रोफेशन सिखाए जाते हैं जिनसे उन्हें जॉब पाने के ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकें। फाइनेंशियल एजुकेशन वो एजुकेशन है जिसमें हम ये सीखते हैं कि पैसे के लिए काम करने के बजाय पैसे से अपने लिए काम कैसे करवाया जाता है। ये एजुकेशन मैक्सिमम स्कूलों में नहीं पढ़ाई जाती है, लेकिन ये एजुकेशन हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि यदि तुम इस एजुकेशन पर ध्यान नहीं दोगे तो तुम पूरी लाइफ अमीरों के लिए काम करते रहोगे। इसलिए पैसे के लिए काम करने के बजाय पैसे से अपने लिए काम करवाना सीखो। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बनाकर बहुत से लोगों ने बेशुमार दौलत हासिल की है। इस बिज़नेस को इस तरीके से बनाया गया है कि ये उन लोगों के लिए बेस्ट बिजनेस साबित हो जो दूसरों की हेल्प करना पसंद करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के काम करने का तरीका ये है कि जब आप अमीर बनो तो आप अमीर बनने में किसी और की भी हेल्प करो। हालांकि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस हर किसी के लिए नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसे इंसान हैं जो आर्थिक लक्ष्यों और सपनों तक पहुंचने में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सच में हेल्प करना चाहते हो तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को टटोल कर जरूर देखना चाहिए। दोस्तों, आप बात करते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बेनिफिट्स के बारे में। ऑथर ने यहाँ 11 ऐसे वैल्यूज़ के बारे में बताया है जिनको जानने के बाद आप इस बिज़नेस को समझने की कोशिश अवश्य करेंगे और उसके बाद फैसला आपके ऊपर है कि आप इस इंडस्ट्री का हिस्सा बनना चाहते हैं या नहीं। वैल्यू नंबर 1, ट्रू इक्वल अपॉर्चुनिटी। रॉबर्ट कहते हैं कि 1970 के आसपास मेरा एक फ्रेंड मुझे एक मीटिंग में लेकर गया। वहाँ एक नए बिज़नेस के बारे में बताया जाने वाला था। जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया से मेरा पहला परिचय हुआ। वहाँ एक ऐसे बिज़नेस के बारे में बताया जा रहा था जो कई लोगों को अमीर बनाता था। उस समय मेरा दिमाग इस तरह के नए क्रांतिकारी विचारों के लिए नहीं खुला था। शाम को जब मेरे फ्रेंड ने मुझसे पूछा कि मैं इस बिज़नेस के बारे में क्या सोचता हूँ, तो मैंने कहा कि ये मेरे मतलब की चीज़ नहीं है। मैं अपना बिज़नेस पहले से ही बना रहा हूँ, मुझे दूसरे लोगों की हेल्प करने की ज़रूरत क्या है, मुझे उनके साथ बिज़नेस करने की ज़रूरत ही क्या है। और मैंने सुना है कि इस नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस के नाम पर बहुत सारी पिरामिड स्कीम्स भी चलती हैं जो कि गैरकानूनी हैं। ऑथर कहते हैं कि 1990 में मेरा दिमाग खुलना शुरू हुआ और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में मेरा नज़रिया बदलने लगा। 1994 में 47 की एज में रिटायर होने के बाद रॉबर्ट ने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में अपनी खुद की रिसर्च शुरू की। कई कंपनियों को देखने के बाद उन्होंने देखा कि इस बिज़नेस में सपने देखने वाले, धक्का देने वाले, बुरे लोग, हारने वाले और फटाफट अमीर बनने वाले लोग इस बिज़नेस की ओर अट्रैक्ट होते हैं। इस बिज़नेस की एक बहुत बड़ी चुनौती यह है कि यह बिज़नेस एक ओपन डोर की नीति पर काम करता है जिससे हर आदमी इसमें शामिल हो सकता है। ये ओपन डोर की नीति सबको समानता और बराबरी का अवसर देती है। पारंपरिक बिजनेस में यदि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी तो कुछ समय बाद आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में कंपनियां बहुत ही सहानुभूतिपूर्ण होती हैं। अगर आप लगे रहना चाहते हो और अपनी गति से सीखना चाहते हो तो यह बिज़नेस आपका साथ देता रहेगा। वैल्यू नंबर 2, लाइफ चेंजिंग बिजनेस एजुकेशन। रॉबर्ट कहते हैं कि ये भी सच है कि ढेर सारा पैसा कमाने का लालच कई लोगों को इस बिज़नेस में खींच कर लेकर आता है, लेकिन मैं ये एडवाइस बिल्कुल नहीं करता कि आप सिर्फ पैसे के लिए नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आओ। नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम के द्वारा बहुत से प्रोडक्ट या सर्विसेज अवेलेबल कराई जाती हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि 1970 में मैंने जिस पहले मार्केटिंग बिजनेस को अवसर को देखा था उसमें विटामिन बेचे जाते थे। मैंने उन्हें यूज़ किया और पाया कि वह बहुत अच्छी क्वालिटी के थे। मैंने और रिसर्च की और पाया कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बहुत सारे मेन स्ट्रीम प्रोडक्ट्स कैटेगरीज को कवर करता था। ये बिज़नेस हर महीने इस इंडस्ट्री में कुछ नया लेकर आता रहता है।
नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसका एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है। आपको इस सिस्टम पर थोड़ा रिसर्च करने की ज़रूरत है। आपको इस बिज़नेस की ट्रेनिंग, एजुकेशन, सेमिनार्स और प्रोग्राम्स को देखना होगा। आपको समय निकालकर उन लोगों से मिलना चाहिए जो आपको एजुकेट करते हैं और ट्रेनिंग देते हैं। यहाँ आपको कुछ ऐसे लीडर्स भी मिलते हैं जिन्होंने जीरो से अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। इनमें कई महान टीचर मिलेंगे क्योंकि वो अपने एक्सपीरियंस से सिखाते हैं। उनमें सिखाने का जोश रहता है, उनमें दूसरे लोगों की मदद करने का एक जज्बा होता है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में लीडर्स दूसरे साथियों को ऊपर की ओर खींचते हैं, जबकि ट्रेडिशनल बिजनेस में केवल थोड़े से ही लोगों को प्रमोट किया जाता है और बाकी को केवल सैलरी पर ही संतुष्ट कर दिया जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में असली लाइफ के बिजनेस सब्जेक्ट्स के बारे में सिखाया जाता है, जैसे एन एटीट्यूड ऑफ सक्सेस, लीडरशिप स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, पीपल स्किल्स, ओवरकमिंग पर्सनल फियर्स, डाउट्स एंड लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ओवरकमिंग ऑफ द फियर ऑफ रिजेक्शन, मनी मैनेजमेंट स्किल्स, इन्वेस्टिंग स्किल्स, अकाउंटेबिलिटी स्किल्स, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, गोल सेटिंग, ड्रेसिंग और सक्सेस एटसेट्रा। वैल्यू नंबर 3 है, फ्रेंड्स हु विल पुल यू अप नॉट पुश यू डाउन। बहुत से लोग इस बिजनेस के फायदे जानते तो हैं और ये भी जानते हैं कि ये बिजनेस किस प्रकार उनकी लाइफ को पूरी तरह चेंज कर सकता है, लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी रुकावट यह है कि यदि उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ज्वाइन कर लिया तो उनके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स क्या सोचेंगे, सब उनका मजाक उड़ाएंगे। रॉबर्ट बताते हैं कि एक शाम को एक महिला नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बारे में 30 लोगों के एक ग्रुप को संबोधित कर रही थी। वे लोग उसके बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में सुनने के लिए आए थे। उस महिला ने बताया कि उसके पति ने उसे छोड़ दिया था और उसने अपने दम पर ही अपने 4 बच्चों को पाल पोसकर बड़ा किया। उसने बताया कि उसने सरकारी दान लेने के बजाय नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस शुरू किया और आज एक साल में वो पार्ट टाइम काम करके $60,000 कमा रही है और अपने बच्चों की देखभाल कर रही है। उसने बताया कि इस बिजनेस ने उसे सिक्योरिटी, होप, लाइफ कंट्रोल और सबसे बड़ी बात, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए समय दिया। वह आगे बताती हैं कि जिस तरह से उसका बिजनेस चल रहा है उस तरह से वो 10 साल बाद मिलियनेयर बन जाएगी। वो कहती है कि अपनी पुरानी नौकरी में वो इतना कुछ अचीव नहीं कर पाती। इस बिजनेस के लोगों के समर्थन के बिना वो इतना कुछ अचीव ही नहीं कर सकती थी। एक अच्छे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आपको पीछे खींचने वाले लोग नहीं बल्कि आपकी हेल्प और सपोर्ट करने वाले लोग मिलेंगे जो आपको आगे की ओर लेकर जाएंगे। वैल्यू नंबर 4, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ अ नेटवर्क। रॉबर्ट कहते हैं कि जब मैं जेरोक्स कॉरपोरेशन में काम करता था तो मुझे एक प्रोडक्ट को बेचने में बहुत परेशानी आई और वो प्रोडक्ट था जेरोक्स टेलीकॉपियर। क्योंकि ये एक नया प्रोडक्ट और एक नया इन्वेंशन था, इसलिए लोग सबसे पहले ये पूछते थे कि ये प्रोडक्ट और किस किस के पास है, क्योंकि इसकी तब तक कोई वैल्यू नहीं थी जब तक कि ये दूसरों के पास भी अवेलेबल ना हो, मतलब दूसरे टेलीकॉपियर्स का नेटवर्क। टेलीकॉपियर, जिसे हम फैक्स मशीन के नाम से भी जानते हैं, जब मैक्सिमम लोग इस फैक्स मशीन को यूज़ करने लगे तो इन्हें बेचना काफ़ी आसान हो गया, मतलब इस मशीन की वैल्यू तब बढ़ी जब इसका नेटवर्क बन गया। मेटकाफ्स लॉ, ए नेटवर्क्स इकोनॉमिक वैल्यू इक्वल टू नंबर ऑफ यूजर्स स्क्वायर। यदि दुनिया में केवल एक ही फ़ोन होगा तो इस अकेले फ़ोन की कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होगी। जब 2 फ़ोन हो जाएंगे तो मेटकॉफ के नियम के अनुसार टेलीफोन नेटवर्क के इकोनॉमिक वैल्यू का स्क्वायर हो जाएगा। अब नेटवर्क की वैल्यू 0 से 4 हो जाएगी। तीसरा फ़ोन आ जाने पर यह वैल्यू 9 पहुंच जाएगी। नेटवर्क की इकोनॉमिक वैल्यू न्यूमेरिकली नहीं बढ़ती है बल्कि ये एक्सपोनेंशियली बढ़ती है। 1970 के दशक में एक नए प्रकार के बिजनेस का जन्म हुआ। यही वो बिजनेस है जिसके बारे में ये बुक है। आज इसे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के नाम से जाना जाता है। यहाँ बिजनेसों के फ्रेंचाइजी नेटवर्क की जगह व्यक्तियों का फ्रेंचाइजी नेटवर्क काम करता है। इस नेटवर्क बिजनेस की आलोचना भी की जाती है, लेकिन इसके बावजूद नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री पारंपरिक बिजनेस की तुलना में ज़्यादा तेज गति से आगे बढ़ रही है। रॉबर्ट कहते हैं कि जब मैंने अपने दिमाग के दरवाजे को खोलना शुरू किया तो देखा कि सिटी बैंक, AOL, टाइम वार्नर और बर्कशायर हैथवे जैसे बड़े कॉरपोरेशन के नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस चला। इस बिजनेस के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि इसने मेटकॉफ के नियम की पावर को आम लोगों के लिए अवेलेबल करवाया है। अब ये आपके ऊपर है कि आप इस नियम का पालन करें और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में न सिर्फ शामिल हों बल्कि आपको अपने जैसे ही किसी दूसरे व्यक्ति को ढूंढना होगा जो आपकी ही तरह आगे बढ़ना चाहता हो, जिसमें अपनी लाइफ में कुछ करने का जज्बा हो। जब आप एक आदमी को खोज लेते हो तो मेटकॉफ के नियम के अनुसार आपके नेटवर्क का मूल्य 0 से 4 हो जाता है। जब आप 3 हो जाते हो तो आपके नेटवर्क का मूल्य 4 से बढ़कर 9 हो जाता है। और अगर आपके द्वारा लाए गए दोनों लोग 2-2 और लोगों को नेटवर्क में शामिल कर लेते हैं तो आपके नेटवर्क का मूल्य रॉकेट की तरह दिखने लगेगा। यही नेटवर्क बिजनेस की पावर और बेनिफिट है। वैल्यू नंबर 5, डेवलपिंग यूअर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस स्किल।
1974 में जब रॉबर्ट मरीन कॉर्प से वापस आए तो उनके सामने करियर के दो ऑप्शंस अवेलेबल थे, एक ई क्वाड्रेंट में शामिल होना और शिपिंग इंडस्ट्री में जाकर नौकरी करना, और दूसरा अपने रिच डैड की दुनिया में प्रवेश करना और बी क्वाड्रेंट में एंटर करना। रॉबर्ट ने इसमें से दूसरा विकल्प चुना। वे अपने रिच डैड के पास गए और उनसे कहा कि मुझे बी क्वाड्रेंट की ट्रेनिंग दें। इस पर रिच डैड ने कहा कि जाओ और कोई सेल्स का काम करो। इस पर रॉबर्ट ने कहा कि मैं सेल्समैन नहीं बनना चाहता हूँ, मैं आपकी तरह बिजनेस ओनर बनना चाहता हूँ। इस पर अमित डैड ने कहा कि बेचने की योग्यता बिजनेस में नंबर वन योग्यता है। यदि तुम बिजनेस में सक्सेस होना चाहते हो तो तुम्हें एक सक्सेसफुल सेल्स पर्सन बनना होगा, क्योंकि सबसे अच्छे सेल्समैन सबसे अच्छे लीडर होते हैं। रिच डैड कहते हैं कि बिजनेस में दो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट हैं और वो हैं खरीदो और बेचो। हर मार्केट बायर्स और सेलर्स की बदौलत चलता है। अगर हमारे पास बायर्स ही नहीं होंगे तो हम बिजनेस से बाहर हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि हमें लगातार बेचना जरूरी है। आप जितना ज़्यादा बेच सकते हैं उतना ही ज़्यादा खरीद सकते हैं। गरीब लोग इसलिए गरीब होते हैं क्योंकि वे कुछ बेच नहीं सकते या फिर उनके पास कुछ बेचने के लिए नहीं होता है। बहुत से लोग बहुत योग्य होते हैं लेकिन वे अपने गुणों को नहीं बेच सकते हैं। वे अपने रिजेक्शन के डर से बाहर ही नहीं निकल पाते हैं। वे डरते हैं कि यदि हमने किसी को अपने बिजनेस के लिए अप्रोच किया और उसने रिजेक्ट कर दिया तो क्या होगा। इसलिए यदि आप जीवन में सफल होना चाहते हो तो आपको ये सीखने की ज़रूरत है कि किस तरह बेचा जाए। बहुत से लोग सेल्स के नाम से ही कांपने लग जाते हैं। वे कहते हैं कि ये तो घटिया काम है, लेकिन हकीकत में उनके अंदर रिजेक्शन का डर होता है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में अपने डर से हार कर जीवन बिताने की जगह लोग अपने डरों को जीतना सीख जाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में उन्हें अपने अंदर के विजेता को बाहर निकालने का मौका मिलता है। इसलिए यदि आपको अपनी ज़िंदगी में सफलता तक पहुँचना है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिजेक्ट होना चाहिए। वैल्यू नंबर 6, लीडरशिप। रॉबर्ट के पुअर डैड और रिच डैड दोनों ही अच्छे लीडर थे। उनके असली डैड हवाई स्टेट के हेड ऑफ एजुकेशन थे। वे बच्चों की एजुकेशन की बड़ी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए बहुत मेहनत करते थे। उनके अमीर डैड अपने एम्प्लॉय और इन्वेस्टर को इंस्पायर करते थे ताकि उनकी हेल्प से वो एक बड़ा बिजनेस एम्पायर बना सकें। रॉबर्ट जब वियतनाम से लौटे तो उनके रिच डैड ने उनसे कहा कि लीडरशिप की क्वालिटी को डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लीडर्स वो काम करते हैं जिसे करने में मैक्सिमम लोग डरते हैं। शायद यही कारण है कि हमें बी क्वाड्रेंट में बहुत कम लीडर्स देखने को मिलते हैं। रिच डैड कहते हैं कि यदि आप भी बी क्वाड्रेंट में सक्सेस होना चाहते हो तो यहाँ लीडरशिप क्वालिटी ऑप्शनल नहीं बल्कि कंपलसरी होती है। बिजनेस में हमेशा पैसे सबसे अच्छे प्रोडक्ट्स या सर्विसेज देने वाले के पास नहीं जाते हैं, बल्कि बिजनेस में पैसा हमेशा बेस्ट लीडर्स और बेस्ट मैनेजमेंट के पास आता है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के सबसे बड़े फायदों में से एक ये है कि यहाँ पर आपको लीडरशिप की ट्रेनिंग मिलती है, एक ऐसी ट्रेनिंग जो आपको लीडरशिप को डेवलप करने के लिए एजुकेशन, टाइम और अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। वैल्यू नंबर 7, नॉट वर्किंग फॉर मनी। बहुत से लोग सिर्फ अपनी सैलरी बढ़ाने पर अपना पूरा ध्यान लगाते हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि यदि आप सिर्फ पैसे के लिए काम करते रहोगे तो आपको पैसों की प्रॉब्लम कभी भी सॉल्व नहीं होगी। आपको मनी और वेल्थ के बीच का अंतर पता होना चाहिए। आपको ज़्यादा सैलरी पाने के बजाय ज़्यादा वेल्थ बनाने पर फोकस करना चाहिए। अगर आप अपना जीवन बदलना चाहते हो तो आपको अपना जीवन मूल्य बदलने की ज़रूरत है। अब बात आती है व्हाट इज़ वेल्थ। ऑथर कहते हैं कि वेल्थ पैसे में नहीं बल्कि समय में नापी जाती है। वेल्थ आपकी वो योग्यता है जिसके सहारे आप आने वाले इतने दिनों तक जिंदा रह सकते हो। जैसे आपके पास $1,000 सेविंग में हो और आपके एक दिन का लिविंग एक्सपेंसेस $100 हो तो आपकी वेल्थ 10 days है, और अगर आपका एक दिन का लिविंग एक्सपेंसेस $50 हो तो आपकी वेल्थ 20 days है। आप अपने आप से यह सवाल पूछकर देखिए कि यदि आप आज काम करना बंद कर दो तो आप कितने दिनों तक आप फाइनेंशियली सर्वाइव कर पाओगे। जो आपका जवाब होगा वही आपकी वेल्थ है। नेटवर्क मार्केटिंग आपको वेल्थ के लिए काम करना सिखाता है। ई और एस क्वाड्रेंट के लोग इनकम और एक्सपेंसेस पर फोकस करते हैं, जबकि बी और आई क्वाड्रेंट के लोग एसेट्स और लाइबिलिटीज़ पर फोकस करते हैं। उनका गोल ज़्यादा इनकम करना नहीं होता है बल्कि ऐसी एसेट्स क्रिएट करना होता है जो उनके लिए कैश फ्लो जनरेट करने का काम करे। उनकी एसेट्स उनके लिए 24/7 काम करती है। वैल्यू नंबर 8, लिविंग योर ड्रीम्स। अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियाँ आपको अपने सपनों के लिए काम करने के महत्व पर जोर देती हैं और उन्हें पूरा करने में आपकी हेल्प करती हैं। रिच डैड पुअर डैड में रॉबर्ट बताते हैं कि उनके गरीब डैड हमेशा कहते थे कि मैं इसे नहीं खरीद सकता, जबकि उनके अमीर डैड ने उनसे इस तरह की बात करने के लिए सख्त मना किया था। इसके बजाय उन्होंने इसे इस तरह से सिखाया कि हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ, क्योंकि जब इस बात पर आप फोकस करोगे कि मैं इसे नहीं खरीद सकता तो आपने अपने सपनों को वहीं पर दफन कर दिया। इसके उल्टा जब आप इस बात पर फोकस करोगे कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ तो आपको बड़े सपने देखने की परमिशन मिल जाती है।
रिच डैड कहते हैं कि आपको ऐसे लोगों से भी दूर रहने की ज़रूरत है जो आपको सपनों को तोड़ना चाहते हों। वे अक्सर इस तरह की बातें आपसे करते हैं, तुम ये नहीं कर सकते हो, इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है, तुम जानते हो कि इसमें बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं, बेवकूफ़ मत बनो, तुम्हारे दिमाग में ऐसे विचार आते कहाँ से हैं? यदि ये विचार इतना ही अच्छा है तो अब तक किसी और ने ऐसा क्यों नहीं किया? अरे मैंने ये सालों पहले करके देखा है, ये कभी सक्सेस नहीं होगा। ये वही लोग होते हैं जिन्होंने अपने खुद के सपनों को दफन कर दिया और अब वे आपके साथ भी ऐसा ही करेंगे। रिच डैड कहते हैं कि बड़े घर में रहना और अमीर होना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट तो ये है कि आप अपने लक्ष्य का पीछा करें, सीखें, बड़े घर को पाने के लिए अपनी पर्सनल पावर को डेवलप करने की कोशिश करें। जो लोग छोटे सपने देखते हैं वो छोटे लोगों की तरह ही ज़िंदगी बिताते हैं, इसलिए आपके सपनों का आकार बहुत मायने रखता है। वैल्यू नंबर 9, मैरिज एंड बिजनेस। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में कई कपल्स एक साथ मिलकर बिजनेस बनाते हैं, ये उन कपल्स के लिए बेस्ट बिजनेस है जो एक साथ बिजनेस करना चाहते हैं। इसके कई कारण हैं, ये एक ऐसा बिजनेस है जिसे आप दोनों पार्ट टाइम कर सकते हो, इसमें आप अपनी सुविधा अनुसार काम करने का टाइम डिसाइड कर सकते हो। ये इंडस्ट्री फैमिलीज़ को एक साथ बिजनेस करने के लिए सपोर्ट करती है। इस बिजनेस में सबसे सफल लोगों में से बहुत सारे कपल्स हैं। कई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज जो एजुकेशन देती हैं वो कपल्स को एक साथ सीखने और ग्रो होने का अवसर देती हैं। रॉबर्ट और उनकी वाइफ के सक्सेसफुल होने का सबसे बड़ा कारण ये था कि उन्होंने एक साथ मिलकर बिजनेस किया। उनका लक्ष्य एक था, उनके जीवन मूल्य एक थे, उन्होंने मिलकर सीखा और वे मिलकर ग्रो हुए, इसलिए उन्होंने सक्सेस को हासिल किया। वैल्यू नंबर 10, द फैमिली बिजनेस। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आपको अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका देता है। इसमें फैमिली के सभी सदस्य मिलकर काम कर सकते हैं, सीख सकते हैं और साथ में आगे बढ़ सकते हैं। इसमें आप अपने बच्चों को पैसे के लिए नहीं बल्कि सीखने के लिए शामिल करने के लिए प्रेरित करते हो। जब पूरी फैमिली एक साथ लक्ष्य की ओर बढ़ती है तो इससे पारिवारिक बंधन और मजबूत होता है। ऑथर जब ऐसी फैमिलीज से मिले जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में है तो उन्होंने देखा कि उन सभी में एक जैसे ये गुण कुछ गुण थे, जैसे सबका ध्यान परिवार पर होता था, सबको सक्सेस के कारण मिले हुए उस एक्स्ट्रा टाइम की वैल्यू का एहसास था जिसकी वजह से वो अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते थे। बच्चे अपने माँ बाप के साथ एक्सपीरियंस करके नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बेनिफिट को सीखते थे। वे लोग हमसे ज़्यादा फैमिली हॉलीडेज और फैमिली बिजनेस ट्रिप का आनंद लेते थे। बच्चे पैसिव इनकम और फाइनेंशियल एजुकेशन के बेनिफिट को कम एज में ही सीख लेते हैं। बच्चे अपने आप ही बिजनेस में शामिल होने का विकल्प चुनते हैं। कई लोग फैमिली गोल सेट कर लेते हैं और फिर एक साथ उस कॉमन गोल के लिए काम करते हैं। अक्सर एक पेरेंट फुल टाइम नौकरी करता है और दूसरा पेरेंट नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बनाना स्टार्ट कर देता है। इस इंडस्ट्री का नेचर ही फैमिली की एकता और संबंधों को मजबूत करना है। वैल्यू नंबर 11, हाउ यू कैन यूज़ द सेम टैक्स बेनिफिट द रिच यूज़। कुछ लोग ये सोचते हैं कि अमीर लोगों को टैक्स का बेनिफिट कुछ ज़्यादा ही मिलता है, जो कि अनुचित है। शायद ये इसलिए लगता है क्योंकि अमीर लोगों को टैक्स बेनिफिट कुछ ज़्यादा मिलता भी है। जब आप बिजनेस ओनर बनते हैं और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको सरकार टैक्स में बेनिफिट देती है। टैक्स कानून का बेनिफिट लेने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप वो करो जो सरकार आपसे चाहती है। आप बिजनेस ओनर बन जाओ और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करो। आप अपनी फुल टाइम जॉब के साथ नेटवर्क मार्केटिंग का पार्ट टाइम बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। बहुत से लोगों ने पाया है कि इनकम बनाने की कुंजी नेटवर्क मार्केटिंग की तरह पार्ट टाइम बिजनेस करना है। एक बार जब आप सरकार की नीतियों के अनुसार अपना बिजनेस बना लेते हो तो फिर आप अपने सीए के साथ बैठकर टैक्स बेनिफिट के बारे में बात कर सकते हो। एक सैलरीड पर्सन की इनकम और एक बिजनेस की इनकम में बहुत डिफरेंस होता है। एक सैलरीड पर्सन की इनकम पर टैक्स रेट बहुत ज़्यादा होता है, जबकि वहीं एक बिजनेस की इनकम पर टैक्स रेट में छूट मिलती है, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ऐसे प्रावधान होते हैं जो केवल बिजनेस को ही बेनिफिट देते हैं। इसलिए यदि आप अपने द्वारा चुकाए जाने वाली टैक्स अमाउंट में बदलाव करना चाहते हो तो आपको अपने पैसे कमाने के तरीके में बदलाव करने की जरूरत। दोस्तों, इस प्रकार इस वीडियो में हमने सीखा कि किस प्रकार नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आज हजारों लाखों लोगों की लाइफ को चेंज कर रहा है, और साथ ही हमने इस बिजनेस के 11 फायदों के बारे में भी सीखा। यदि आप भी अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हो तो रॉबर्ट कियोसाकी की लिखी गई बुक बिजनेस स्कूल को जरूर पढ़िए। ये बुक आपको सिखाएगी कि किस प्रकार नेटवर्क मार्केटिंग आपके सपनों को पूरा करने में आपकी हेल्प कर सकती है। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि इस चैनल पर आने वाली सभी वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँचें। धन्यवाद दोस्तों।